कॉर्पोरेशन मुर्दाबाद 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 जालंधर कॉर्पोरेशन मुर्दाबाद 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 जालंधर कॉर्पोरेशन मुर्दाबाद मुर्दाबाद। जालंधर के पौश इलाके अर्बन स्टेट के कूड़े के डंप नू लैके इतने जड़े रहने वाले ने इतों के वसनीक ने मार्केट के जड़े मैंबर ने उन्होंने वालों धरना लगाया जा रहा है कि इतने कूड़ा सुटना जड़ा मना कर दिता जाना चाहिए। मेरे नाल उतों के प्रधान मौजूद ने असीं इन्हां नाल गलबात करदे हां कि मसला है सिर्फ कूड़े के डंप नू लैके तुहाडे वालों धरना लगाया गया किन्ने समय तो दिक्कत आ रही है। पहली गल सति श्री अकाल। दूजा हैगा भी मैं एडवोकेट एच एस रंधावा प्रेजिडेंट अर्बन स्टेट वैलफेयर सोसायटी फेज 2 और जनरल सैकटरी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी फेस 2 का और इत्थे जिहड़ी ऑक्शन दे विच आ जिहड़ा इह सारा मार्केट बनी आ अज तों 4-5 साल पहला उत्थे लोकां ने करोड़ां रुपये खर्च के 10-10 करोड़ रुपए का एक एक जिहड़ा हैगा बूथ कम और जिहड़ा साहब कम फ्लैट हैगा वह लिया हैगा और उन्हां दे विच अजकल घट्टो घट्ट भी 30-40 जिहड़े हैगे आ ईटिंग रेस्टोरेंट जिहड़े आ उह चल रहे ने और उहदे नाल ही होर भी काफ़ी ज़्यादा इतने कमर्शियल जिहड़ा हैगा 10-12 हस्पताल चल रहे ने और 13-14 जिहड़ियां बैंकां चल रही ने और इहदे नाल अर्बन स्टेट फेज 1 ते फेज 2 दे जिहड़े रेजिडेंट ने वह पैंदे ने और रेलवे लाइन भी नाल पैंदी आ और नाल ही उहदे क्रीमेशन ग्राउंड हैगी आ और एक गुरद्वारा साहब और दूसरा मंदिर भी जिहड़ा हैगा इत्थे पै रिहा हैगा और इहो जी पौश कलोनी दे विच जिहड़ा डंप लाउणा कोई सियाणप नहीं आ गई। मैं समझ नहीं आई कि इन्होंने की सोचा किहदे करके इन्होंने डिसीजन लिया क्योंकि जे डंप इत्थे बनेगा तो उहदे नाल बीमारियां फैलनगे ब्रीडिंग ग्राउंड फॉर द मॉस्किटो एंड अदर थिंग्स हैं और भयानक बीमारियां जिहड़ियां ने कैंसर वर्गियां बीमारियां जिहड़ियां ने होणगियां। दूसरा हैगा भी इहदी स्मैल इन्नी ज़्यादा आउंदी है कि इत्थों लंघना जिहड़ा औखा हैगा। जिहड़ी रेलवे लाइन भी लोग जाणगे मुसाफर जाणगे वह भी कहणगे की बनिया हैगा जलंधर का और इट इज़ सेम ऑन द पार्ट ऑफ द कारपोरेशन। तो सो साडी इन्हां नूं यही रिक्वेस्ट आ, असीं पहलों भी कमिश्नर साहब नूं मिले सीगे जॉइंट कमिश्नर नूं मिले सीगे और उन्हां नूं बेनती कीती सी वी इहो जी जिहड़ी पाश कलोनी आ ना उहदे विच डंप जिहड़ा बिल्कुल ना लाया जावे क्योंकि करोड़ां रुपईआं दी जिहड़ी प्रॉपर्टी हैगी आ घट्टो घट्ट वी 100-150 करोड़ दी प्रॉपर्टी आ इहनूं डंप दी भेट जिहड़ा ना चढ़ाया जावे। सो अज असीं सवेर तों धरना ला के बैठे सी इस वास्ते और कारपोरेशन के कुछ अधिकारी इत्थे आए ने जिन्हां विच SC डोगरा साहब भी आए ने और उन्होंने अशोरेंस दिती आ और कि असी इत्थों जिहड़ा हैगा वा डंप जिहड़ा नहीं लावांगे और ना ही इत्थे कोई कूड़ा सुटेगा और असी उन्होंने कहा भी तुसीं इत्थे बोर्ड ला दो। कहिंदे बोर्ड तुसीं अपने कोलों लवा दिओ, असी इत्थे हुण बोर्ड ला रहे हां और जे लिखांगे भी इत्थे जिहड़ा कूड़ा सुटना मना हैगा जे कोई इहदी कताई करेगा तो उहदे विरुद्ध कानूनी जिहड़ी कारवाई उह कीती जाऊगी। ਸਰ ਕੂੜੇ ਸੁੱਟਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਇੱਥੇ ਕੂੜਾ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਇਹ ਵੈਸੇ ਪਿਛਲੇ 4-5 ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੋਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡੰਪ ਉਹ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਇਹ ਵੀ ਚਲੋ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਇੱਥੇ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ 3-4 ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆਈ ਆ ਔਰ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ। ਸਰ ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਸ ਨੇ, ਹਸਪੀਟਲਸ ਨੇ, ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ? ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਜੀ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਆ ਔਰ ਜੁਆਇੰਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਾਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਪੱਖ ਆ ਉਹ ਦੱਸ ਗਿਆ ਹੈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਡੰਪ ਲਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਆ ਇਹਨੂੰ ਕੂੜੇ ਦੀ ਭੇਂਟ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਕਰੋ। ਜੇ ਇਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਆ ਇਹਨੂੰ ਆਕਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਕਿਤੇ 5-7 ਕਿੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਲੈ ਲਓ, ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੰਪ ਜਿਹੜਾ ਲਾਉਣਾ ਗਲਤ ਹੈਗਾ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਡੰਪ ਲਾਉਣ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈਗਾ ਵੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਉੱਥੇ ਹੈਗਾ, ਉੱਥੇ 18-19 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈਗੀ ਕੀਰੋ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਾਰੀ ਇੱਥੋਂ 1-1.5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਉਹ ਕੂੜਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਵੇ। ਸਰ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਫਿਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦਿੱਤੀ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਧਰਨਾ ਚੁੱਕ ਲਓ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਕੂੜਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਧਰਨਾ ਇੱਥੇ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚੱਕ ਰਹੇ ਹੋ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਫਿਲਹਾਲ ਲਈ? ਹਾਂ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਉਣ ਦਾ ਬੇਸਿਸ ਆਫ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸੋਨਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਚੁੱਕ ਲਵਾਂਗੇ, ਜੇ ਫਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਤਾਈ ਕੋਈ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਧਰਨਾ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਅਨਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ ਹੋਊਗਾ ਔਰ ਸੜਕ ਰੋਕਾਂਗੇ ਫਿਰ। ਦੇਖੋ ਡੰਪ ਵਰਗੀ ਚੀਜ਼ ਜੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਪੌਸ਼ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਬਨ ਸਟੇਟ ਵਰਗੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਅੱਜ ਵੀ ਡੰਪ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 75 ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ ਮਨਾ ਕੇ ਹਟੇ ਹਾਂ ਐਂਡ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਾਜ ਛੱਡ ਕੇ
जो सड़कों के उत्ते बहना पै रहा अज के समय च भी सिर्फ एक कूड़े के करके तो बहुत शर्म वाली गल है जी। जिहड़ा कंसर्न डिपार्टमेंट है कारपोरेशन जलंधर है उन्होंने मोहरे मेयर साहब मोहरे कमिश्नर साहब मोहरे बहुत बार रिक्वेस्ट की गई साडे डेलीगेशन जाते रहे बजुर्ग जाते रहे असी सारे नाल हुंदे सीगे एंड उत्थे जा के बेनतियां कर कीतियां कि यह चीज़ ना की जाए बिकॉज कूड़ा सिर्फ एक कूड़ा नहीं हुंदा उहदे नाल जिदा रंधावा साहब ने दस्सिया ब्रीडिंग ग्राउंड है वो मॉस्कीटोज़ लई फिर गावां मझां आंदियां ने लंपी स्किन वर्गी बीमारी हो रही है आस पास हॉस्पिटल्स ने रेस्टोरेंट्स ने नाल पेट्रोल पंप है रेजिडेंशियल एरिया दे विच जदों आपां इहो जिहियां चीज़ां अट्रैक्ट करते हैं। मैं एक होर चीज़ ऐड करना चाहूँगा नाल रेलवे लाइन है एंड जे बाय चांस कोई गाँव अज रेलवे लाइन पर भी चले जाए हादसा होने का भी नुकसान है जी ए चांस है इस करके ये सारिया चीज़ों पैरामीटर्स नूं देखदे होया आप इन्हों रियलाइज़ करना चाहिए कि यह जी चीज़ साढ़े आस पास नहीं होनी चाहिए। प्लस शहर के कूड़े का डंप बना का जो तुम एक पास स्मार्ट सिटी दल कर रहे हो एंड शहर के करोड़ों की थान पर जो डंप बनाने की गल कर रहे हो यह दोवें गल् आपस कॉन्ट्राडिक्ट कर रही ने जी। यदा मतलब यह है कि सरकार को आप ही पता नहीं लग रहा कि मैं अगे जाना कि मैं पिछे जाना एक यहोजी गड्डी है जी रेस तो दे रही है पर हैंड ब्रेक लगी है जी नाल सो इस करके काइंडली हैंड ब्रेक को थले करो गां पछा करो सिटीजनज़ को थोड़ा सौख हो अदरवाइज जिदा साढ़े प्रधान साहब ने कहा कि फिर अगला एक्शन जोड़ा जे साड़ी कल नूं गल नहीं सुनी जाती तो फिर आप दो चार दिन बाद कोई ना कोई एक्शन प्लान करके फिर वड्डे तौर वड्डे लैवल से धरना लावांगे। सर अपने हल्के दे एमएलए ने गलबात की इस चीज़ को लेकर तुसीं देखो जी वो लोकल रिप्रजेंटेटिव ने सारी चीज़ा उन्होंने नॉलेज च ने अगे उन्होंने वालों की स्टैप ले गए उ जानते हैं जी। तो मेरे नाल उतों के वसनीक मौजूद सके जिन्होंने असी गलबात की जिन्होंने दसिया कि काफ़ी समय तो जो दिक्कत आ रही है उन्होंने सरकारी नुमाइंदा भी इस चीज़ को लेकर गलबात की है तो हूँ जो कारपोरेशन के जो इतने अधिकारी आए थे उन्होंने वालों आश्वासन दिता गया कि इतने कूड़े का डंप जो हटा लिता जाएगा जिसके करते जिसके कारण इन वालों जोड़ा इतों ने धरना चक्न का धरना चक्न की गल कही गई है पर उन्होंने यह भी कहना है कि आने वाले दिनों जेकर अजिही स्थिति मुड़ बनती है तो फिर वो सड़क ब्लॉक करेंगे सड़क पर धरना दिता जाएगा। कैमरा पर्सन विजय दे नाल अंजल चड्डा पंजाब बुलेटिन जलंधर।